हेलो एंड वेलकम टू एंजॉय कंप्यूटर वाइन। तो पिछले दो क्लास हो चुके हैं आपकी, लूसेंट की जो सीरीज चला रखी है मैंने, तो वो अब मैं कंप्लीट करने की तरफ हूँ। तो आज तीसरा चैप्टर लेके आया हूँ मैं आप सब के लिए, उसके सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करेंगे और कोई टाइम खराब नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सा अपना क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वही जिन बच्चों को मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे की तरफ मूव कीजिएगा। तो आज मैं फिर वही तीन लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 110-120 क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा खराब नहीं होगा आपका, आधे घंटे में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा विद बैकग्राउंड, जैसे कि यूट्यूब के टीचर करते हैं घंटे में 20 क्वेश्चन करवाते हैं, वैसा कुछ नहीं है, आपका टाइम कोई वेस्ट नहीं होने वाला है। मेरा बस एक ही ध्येय रहता है कि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। यूट्यूब पर आया है बच्चा, मेरी वीडियो देख रहा है तो टाइम वेस्ट के लिए नहीं देख रहा है, सीधी सी बात है, पढ़ने के लिए देख रहा है। ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, द टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेज आर, भाई दो तरीके की आपकी आउटपुट डिवाइसेज इनमें से कौन से ऑप्शन में दी गई हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं भाई, मोनिटर एंड प्रिंटर। तो मोनिटर एंड प्रिंटर दोनों ही आपकी आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज वो डिवाइसेज होती हैं बच्चे जिसके अंदर आपको आपका रिजल्ट दिखाई दे, आपकी आउटपुट दिखाई दे, तो वो क्या हो जाएगा आपकी आउटपुट डिवाइस। तो इसका पहला ही आंसर है ए, मॉनिटर एंड प्रिंटर, इन दोनों से हमें आउटपुट प्राप्त होती है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, कई बार क्या होता है कि पहला ऑप्शन ठीक होता है तो उसके बाद बाकी के भी ठीक हो जाते हैं और ऑल ऑफ दीज वाला हो जाता है। तो हमें एग्जाम में हड़बड़ाहट नहीं करनी है बिल्कुल भी और अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अगला देखेंगे फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी, तो ये दोनों स्टोरेज डिवाइसेज हैं, तो इसका मतलब आपका ए ही राइट आंसर है, तो ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन है, माउस टेक्निक यूज फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव, ये पूछ रहा है कि माउस से हमें किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी का कैसे पता लगता है। तो भाई सिंपल सा इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो क्या है, राइट क्लिक। क्या है राइट क्लिक, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आप उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन इस तरफ मूव करेंगे, इसका सेकेंड का जो आंसर है वो सी रहने वाला है बच्चे। बाकी के ऑप्शन में देख रहे हैं कि ड्रैगिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे पे खींचना, ड्रॉपिंग का मतलब खींच के उसको ड्रॉप करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डिवाइस, जो डॉट मैट्रिक्स है वो किस चीज़ की टाइप है। तो आप सब ने पढ़ा होगा प्रिंटर का चैप्टर, तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, और डॉट मैट्रिक्स क्या है, ये एक प्रिंटर की क्वालिटी है, मतलब एक इसका स्टाइल है। तो डॉट मैट्रिक्स एक टाइप है भाई, किसकी है, प्रिंटर की। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बी, बी क्या रहेगा, प्रिंटर इज द राइट आंसर भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई फटाफट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका द की इज यूज, भाई जो टैब की है वो किस चीज के लिए प्रयोग की जाती है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं भाई, टैब का मतलब होता है आपका दो चीजों के बीच में एक गैप देने का काम करता है। जब भी आप कोई पैराग्राफ वगैरह बनाते हैं तो उस पैराग्राफ के अंदर आपका टैब काम करता है इक्वल स्पेस देने के लिए। सीधी सी बात है भाई, इक्वल स्पेस देने के लिए आपका टैब की का यूज किया जाता है। तो पहला क्या है आपका, टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे कर्सर को मूव करवाने के लिए, टू इंटेंट ए पैराग्राफ, पैराग्राफ का इंटेंट देने के लिए, टू मूव ए कर्सर, कर्सर को मूव करवाने के लिए, और चौथा क्या है, ओनली ए एंड बी। तो इसका सीधा सा आंसर भाई, स्क्रीन पे तो कर्सर मूव हो ही रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। देखो पैराग्राफ के लिए भी मूव हो रहा है और मूव तो हो ही रहा है, तो इसके दोनों आंसर राइट रहेंगे, ए एंड बी। तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी, सॉरी डी। तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज आपका टू गो टू, क्या बोल रहा है भाई, टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन प्रेस, ये कह रहा है कि किसी भी लाइन के टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आना, मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है, फर्स्ट पे आना बिल्कुल, तो आप क्या करोगे। तो इसका नॉर्मल सी चीज है भाई, होम प्रेस करोगे, पेज अप करोगे, एंटर करोगे, या नन ऑफ दीज करोगे। तो बिगिनिंग पे अगर आपको आना है, जहां से आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ है, पहला लेटर लिखा गया है, तो वो क्या होगा आपका, होम की प्रेस करनी पड़ेगी। कौन सी की रहेगी आपकी, होम की, ए इज द राइट आंसर भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिक्स्थ भाई, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेज आर, सबसे कॉमन जो आपकी इनपुट डिवाइसेज है वो कौन सी हो सकती हैं। तो भाई कीबोर्ड एंड माउस बोथ आर द वेरी बेसिक इनपुट डिवाइसेज, तो ये देखो कहीं है क्या,
तो आपकी कीबोर्ड माउस डी में दिखाई दे रही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन है, टू सी ऑल इन्फॉर्मेशन विच डिवाइस आउटपुट यूजेस। भाई सारी इन्फॉर्मेशन को जो भी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। भाई आउटपुट डिवाइस में ही हम आउटपुट देखेंगे, तो देख लेते हैं भाई, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ALU, CPU, नैनो डिस्क। एक बात बताइए आप, इस इन सारे ऑप्शन में सिर्फ एक मॉनिटर ही ऐसा है जिसके ऊपर आप आउटपुट डिवाइस को देख सकते हैं। कीबोर्ड इनपुट है, ALU आपका CPU का पार्ट है, CPU प्रोसेसर है आपका, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका, ए, ए इज द राइट आंसर, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एट्थ क्वेश्चन है आपका, टाइप ऑफ माउस इज। भाई टाइप ऑफ माउस इज, इनमें से कौन सा एक माउस की टाइप है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माउस कितने टाइप के होते हैं। तो देखो भाई, ऑप्टिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है, ठीक है, ये आपके माउस होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या, मैकेनिकल, जनरल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक एंड ऑप्टिकल मैकेनिकल। तो आंसर क्या रहेगा, बी, मैकेनिकल होता है और आपका ऑप्टिकल माउस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, और नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार भाई। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड इज, आप सभी को पता है F1 से लेके F12 तक क्या होती है आपकी फंक्शन की होती है, तो कितनी फंक्शन की है भाई, 12। तो आंसर क्या रहने वाला, सी, सी मतलब 12 आपका राइट आंसर है भाई। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड इन। देखो प्रिंटिंग हेड और पेपर किस चीज में होता है, प्रिंटर में होता है, क्लियर सी बात है। अब ये बोल रहा है किस में भाई, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना, देखो प्रिंटर की दो टाइप होते हैं, इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब जहाँ पे आपका जो हेड है और पेपर है रिबन के थ्रू क्या होता है, स्ट्राइक करता है, तो ये चीज किस में होगी, इम्पैक्ट प्रिंटर में होगी। नॉन इम्पैक्ट में क्या होगा कि कोई हेड नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये देखिए, अगर आपका प्रिंटिंग हेड एंड पेपर है तो इसका मतलब कौन सा हुआ, वो इम्पैक्ट प्रिंटर हुआ, तो बी इज द राइट आंसर बच्चे। तो इलेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, By which printer a character prints in only one stroke? आपसे ये पूछा जा रहा है भाई, किस प्रिंटर के अंदर केवल एक ही करेक्टर को प्रिंट किया जाता है स्ट्रोक के द्वारा। देखो आपने टाइपराइटिंग मशीन देखी होगी, उसी तरीके से जो आपके प्रिंटर होते हैं कई, उनके अंदर भी ऐसा होता है। देखो इसमें क्या है, लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर ऐसा नहीं है, वो पूरा पेज एक बार में छाप देता है। इम्पैक्ट अगला है भाई आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो हो वो लगभग जो आपके रेल स्टेशन में यूज किया जाता है वो वाला प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर पूरे एक बार में एक लाइन टाइप करता है, और प्लॉटर आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो इसके अंदर जो आपका एक बार में एक टाइप करेगा वो क्या हुआ आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहने वाला है, बी इज द राइट आंसर। जैसे आप कहोगे ना भाई रोहतक से दिल्ली जाना, तो दिल्ली, तो वो दो तीन वर्ड टाइप करेगा उसमें और फिर वो जो आवाज करेगा खट खट की और आपकी प्रिंट निकाल के, वो एक बार में एक लेटर को प्रिंट कर रहा है भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव अगर आप करते हैं तो आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। भाई इनमें से कौन सी आपकी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है भाई, मॉनिटर आपकी बिल्कुल नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे, 13, व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ कीबोर्ड इन ए कंप्यूटर। आपको ये पूछ रहा है भाई कि जो आपका कीबोर्ड है, सॉरी ज्यादा ऊपर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर था आपका बच्चा, एक सेकेंड, ज्यादा ही स्पीड पकड़ ली थी हमने। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर है आपका, दैट इज 12th। 12th क्वेश्चन में क्या है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो ये मैंने आपको करवा दिया था कौन सा आपका, बी मॉनिटर। 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फंक्शन, व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ कीबोर्ड इन ए कंप्यूटर। भाई आपके कीबोर्ड का कंप्यूटर के अंदर क्या फंक्शन है, प्रिंट कराने का है, नहीं वो तो प्रिंटर का काम है, इनपुट का है, बिल्कुल सही बात है। कीबोर्ड क्या करेगा, इनपुट ही तो करेगा और टाइप भी करेगा, और इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ये नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ कीबोर्ड इन कंप्यूटर, तो इनपुट करने का काम करेगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई मूव करके एक बार, तो 14th जो क्वेश्चन आपका है वो देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, इनमें से कौन सा हाई क्वालिटी आउटपुट देता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर भाई नहीं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भाई अच्छी क्वालिटी देता है, लेकिन सबसे बेस्ट के बारे में बात, तो प्लॉटर,
फ्लोटर सबसे अच्छी क्वालिटी की आपको इमेज प्रोड्यूस करके देता है, जो आपके टाउन प्लानिंग के अंदर मैप बनाए जाते हैं ना, पूरे रोहतक शहर का नक्शा होगा इस तरीके से, तो उनके लिए क्या यूज होता है, फ्लोटर यूज होता है बच्चे। तो फ्लोटर इज द राइट आंसर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है आपका, द वर्क डन बाय कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो काम आप कर चुके हैं वो कंप्यूटर के किस हिस्से में दिखाई देता है, सीपीयू में, नहीं वीडियो में। हाँ बिल्कुल सही है, वीडियो का मतलब क्या होता है बेटे आपका, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब क्या होता है, कोई भी मॉनिटर हो सकता है, एलईडी हो सकता है और एलसीडी हो सकता है, जो भी स्क्रीन होती है ना जिसपे आउटपुट मिलते हैं वो आपकी वीडियो होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो बी आपका राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे। 16th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीडियम ऑफ आउटपुट, इनमें से कौन सा एक आउटपुट का मीडियम है। तो भाई सीधा सीधा आउटपुट पूछ रहा है, कौन सी डिवाइस है, स्कैनर नहीं इनपुट है, माउस इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, तो प्रिंटर इज द राइट आंसर, कीबोर्ड इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है दैट इज 17th क्वेश्चन, और वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनपुट इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, इनमें से कौन सी डिवाइस का हम यूज करके डिजिटल फॉर्म के अंदर डेटा को इनपुट कराते हैं। तो एक बात, जब आप सब लोग फॉर्म भरते हैं तो स्कैनर से स्कैन करते हैं ना, आजकल तो फोन के अंदर भी स्कैनर आ गए हैं, तो जरूरत पड़ती नहीं है, नहीं तो पहले स्कैनर मशीन के थ्रू आप पासपोर्ट साइज फोटो रखते हैं और डिजिटली, वो फोटो डिजिटल है आपका, तो डिजिटली आपका जो जाता था वो किसके थ्रू जाता था, फोटो स्कैनर के थ्रू। तो सी इज द राइट आंसर, स्कैनर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, व्हेन वाज द कंप्यूटर माउस इन्वेंटेड बाय डगलस एंजलबर्ट इन स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी। देखो भाई इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो दे रखा है 1977, 1980, 1970, तो देखो मैं आपको क्लियर से एक बात बता देता हूँ, जो आपका माउस है वो माउस जो है वो लगभग 1964 में बनना स्टार्ट हो गया था, 1968 में वो लगभग आम लोगों के यूज में आने लग गया था। तो कहने की बात ये कि ये एक लंबी ड्यूरेशन है, बट देखो इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन दे भी नहीं रखा है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो उस पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे कैसे आपका ये आंसर रहने वाला है। तो देखिए 18th क्वेश्चन जो है वो मेरी तरफ से इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, लूसेंट की बुक में सारे क्वेश्चन, मतलब आपके जो ऑप्शन है वो गलत है भाई। 1968 इज द राइट आंसर है इसके अंदर, इसको आप कर लीजिएगा। 19th क्वेश्चन देखिएगा एक बार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर, भाई प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो भाई प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आंसर क्या रहेगा, बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई, एंड दैट इज देखिए इस बुक के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी 20th क्वेश्चन जो दे रखा है, 20वां क्वेश्चन, एक करेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स, भाई जो एक करेक्टर प्रिंटर है वो पर सेकंड कितने आपके करेक्टर टाइप कर सकता है। देखो मैं आपको क्लियर से एक चीज बता दूं, कभी भी ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, वो डिपेंड करेगा कि आपकी क्या, मतलब जो प्रिंटर है उसकी क्या स्पीड है, हर एक करेक्टर प्रिंटर की स्पीड अलग अलग हो सकती है, तो इसमें ये कंपेयर करना कि कितने हो सकते हैं कितने नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपका कभी नहीं आएगा। लूसेंट की बुक में भी आप देख सकते हैं 20th क्वेश्चन कभी पहले किसी एग्जाम में नहीं आया, 21 भी नहीं आया और 21 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें आप मेजर नहीं कर सकते और ना ये लॉजिकली कोई क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन जो देखो बुक में देखोगे तो अलग अलग है इसके आंसर, लेकिन मैं नहीं मानता ये क्वेश्चन पूछने लायक है। तो 22nd क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम, स्कैनर लुक्स लाइक है, भाई स्कैनर कैसा दिखता है भाई, एक फोटोकॉपी की मशीन जैसा दिखता है हमें, तो वही है, सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी एरोज की आर देयर इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर कितनी एरो की होती है, 4 होती है भाई, एक अप डाउन की, एक लेफ्ट राइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई फटाफट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है दैट इज 24th क्वेश्चन, और वो है आपका इन एनी करंट अवेलेबल कीबोर्ड हाउ मेनी टाइम्स नंबर की आर रिपीटेड, ये पूछ रहा है कि एक कीबोर्ड के ऊपर कितने बार नंबर की, मतलब 1, 2, 3, 4 लिखे होते हैं, तो भाई दो बार लिखे होते हैं, एक बार ऊपर लिखे होते हैं और एक बार साइड में जो न्यूमेरिक पार्ट होता है वहां पे लिखे होते हैं, तो 2 times इसका राइट आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, द सेलेक्ट शेप ऑब्जेक्ट बिलो माउस इज कॉल्ड, जिसके ऊपर माउस रख के काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माउस पैड बोलते हैं, तो कौन सा आंसर रहने वाला, बी इज द राइट आंसर है। 26th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, तो भाई ए क्या है आपकी, प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस है और ए एंड बी। देखो मैंने क्या बोला आपको,
सारे ऑप्शन पढ़ने बहुत जरूरी हैं। पहला ही आउटपुट डिवाइस था लेकिन वी भी आउटपुट डिवाइस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़ने चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा ए एंड बी बोथ, तो सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई, 27 है, व्हाट कैन बी द फॉर्म ऑफ डेटा, जो डेटा है वो किस फॉर्म में हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, अनरिटर्न हो सकता है, विजुअल हो सकता है, अनहियर्ड हो सकता है, ए बी बोथ। तो भाई एक बात बताइए, अगर आपने एक डॉक फाइल बनाई, मतलब आपने एक रिज्यूम तैयार किया, तो वो रिटर्न है, लेकिन अगर आपने एक मूवी डाली तो वो क्या, वो रिटर्न नहीं है ना, तो वो क्या है, आपकी वीडियो है। तो रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटर्न भी हो सकता है, तो आंसर क्या रहेगा, ए एंड बी बोथ इज द राइट आंसर भाई आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, 28th क्वेश्चन देखते हैं भाई एक बार, आपका क्या है, लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड ए ह्यूमन इज पॉसिबल बाय, भाई कि इंसान और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के थ्रू होता है, इनपुट के थ्रू होता है, आउटपुट के थ्रू होता है, सीपीयू के थ्रू होता है। तो एक चीज छोटी सी बताइएगा मुझे, इनपुट एंड आउटपुट जो डिवाइसेज हैं आपके, इनपुट से तो हम इनपुट करेंगे और आउटपुट से आउटपुट जो देखने का वो देखेंगे, तो ह्यूमन जो लिंक कर रहा है वो किससे कर रहा है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज से कर रहा है, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर भाई आपका। 29th देखते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इनमें से कौन सा एक इनपुट या आउटपुट टाइप की डिवाइस नहीं है, साउंड, लाइट, मैकेनिकल, विजुअल। तो देखो भाई, साउंड इनपुट हो सकता है, मैकेनिकल आपका इनपुट भी हो सकता है, विजुअल भी आपका आउटपुट रहता है, तो लाइट क्या, लाइट नहीं है, तो बी इज द आपका राइट आंसर। 30 का देखते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज माउस, इनमें से कौन सा एक माउस की तरह काम करता है, कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन, ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल आपका राइट आंसर है, ट्रैक बॉल आपके माउस की तरह काम करता है बच्चे। तो 31 की तरफ मूव करें भाई फटाफट, तो 31 जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज देखते हैं, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज फॉर ओके, भाई ओके के लिए जनरली कौन सा आपका बटन यूज किया जाता है, तो लेफ्ट क्लिक, कौन सा किया जाता है, लेफ्ट क्लिक, ए इज द राइट आंसर। अब एक चीज चीज राइट से क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी चेक हो रही थी किसी भी फाइल की, और लेफ्ट से क्या हो रहा है, ओके हो रहा है, ये याद रखने वाली चीजें हैं भाई। नेक्स्ट की तरफ देख मूव करेंगे, 32, डैश्ड इज फास्ट स्पीड प्रिंटर, इनमें से कौन सा तेज प्रिंटर है जो बहुत कम टाइम में ज्यादा प्रिंटर निकाल देता है, तो लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डिजिटल प्रिंटर। तो बच्चे लेजर प्रिंटर जो आजकल मोस्टली आप देखते हो मार्केट के अंदर, वो सारे लेजर प्रिंटर हैं, जिसके अंदर एक टोनर होता है, उसके अंदर इंक डलती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि कोई चीज स्ट्राइक नहीं करती है, नॉइस लेस होते हैं ये आपके, और काफी अच्छी स्पीड होती है, तो लेजर प्रिंटर इज द राइट आंसर भाई आपका, ए इज द राइट आंसर। 33, LCD स्टैंड्स फॉर, सबको पता है, 8th क्लास का क्वेश्चन है, इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे बच्चे, और दैट इज 34 नंबर क्वेश्चन, द जनरल मेथड फॉर टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा इन कंप्यूटर, उसने बोला कि आपको टेक्स्ट अगर डालना है कंप्यूटर के अंदर या न्यूमेरिक डालना है, 1, 2, 3, 4 डालने हैं, तो आप क्या करोगे, तो कीबोर्ड के थ्रू करोगे, माउस से तो 1, 2, 3 नहीं कर पाओगे इतना इजीली, और ना माउस से आप टाइप कर पाओगे कुछ अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, 35 की तरफ मूव करेंगे हम, आउटपुट डिवाइसेज मेक इट पॉसिबल टू, आउटपुट डिवाइसेज से ये चीज पॉसिबल हो जाती है, क्या पॉसिबल हो जाता है, व्यू एंड प्रिंटेड डेटा, बिल्कुल सही, पहला ही सही है, स्कैन नहीं करता डेटा को आउटपुट डिवाइस, इनपुट नहीं कराता आउटपुट, सेंड नहीं करता आउटपुट, तो आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, व्यू एंड प्रिंटेड डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे, 36, हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज, हार्ड कॉपी क्या होती है, जब तक आप स्क्रीन पे कोई चीज देख रहे हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन जब जिस चीज को आप टच कर सकते हो, पेपर पे आ जाए आपका, तो वो क्या है आपका, एक हार्ड कॉपी है, जो हार्ड मतलब आप हाथ लगा सकते, टेंजिबल चीज, इंटेंजिबल जो टच ना कर सके, जो स्क्रीन पे दिखे उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी, और टेंजिबल जो आपके हाथ में पेपर आ जाता है उसी का प्रिंट आ जाता है, तो वो क्या होगा आपका, हार्ड कॉपी। तो क्या होगा भाई आपका, ए इज द राइट आंसर, प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, जो प्रिंटर से प्रिंट हो गया आपके हाथ में आई है हार्ड कॉपी, उसको बोला जाएगा। 37 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई फटाफट, तो 37 क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, That is, which of the following groups have only input device? इनमें से कौन से ग्रुप में सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं? देख लेते हैं भाई, माउस कीबोर्ड मॉनिटर, नहीं मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, माउस कीबोर्ड प्लॉटर, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, माउस कीबोर्ड स्कैनर, ये तीनों आपकी इनपुट डिवाइस है, तो डी इज द राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, 38 की तरफ, तो ये क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स
हैव ओनली आउटपुट डिवाइस, इनमें वो इसका अपोजिट आएगा, पहले इनपुट पूछा है आउटपुट, भाई कौन से ग्रुप में सारे डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो देखो इसमें देखेंगे इसके अंदर इनपुट है, पहले वाले में तो खत्म हो गया, कीबोर्ड इनपुट है खत्म हो गया, माउस इनपुट खत्म, तो ये प्लॉटर है भाई, प्लेटर लिखा हुआ है, ये गलत है, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। एनी डेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे, 13.9 देखते हैं। एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जब हम रखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या इंफॉर्मेशन। देखो भाई दो चीजें हैं, अगर मैं कहूँ कि एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, मोस्टली मेमोरी यूज किया जाता है आपके सीपीयू के लिए, सीपीयू के लिए जो मेन मेमोरी होती है ना, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं आपके, उसके अंदर जो यूज किया जाता है वो होता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इनपुट बोला जाएगा। स्टोरेज कब होगी, जब उस डेटा को सेव करके हार्ड डिस्क के अंदर रखा जाए तो वो आपका स्टोरेज का पार्ट हो जाता है बच्चे, जब तक सेव नहीं होता जब तक वो आपके किस में रहता है, सीपीयू की मेमोरी में और रैम के अंदर वो आपको शोर हो रहा होता है, तो सी इज द राइट आंसर। 40 का क्या रहेगा, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरो वी प्रेस। देखो भाई बच्चे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा अपने को, अगर मैं कहता हूँ आपको नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक या शिफ्ट या कौन सा, तो इनमें से नम लॉक इज द राइट आंसर है भाई। नम लॉक को अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो वो आपके क्या नंबर का यूज होगा, जब उसमें हरी बत्ती ऊपर ओपन हो जाती है आपकी, और एक बार करोगे तब वो क्लोज हो जाती है भाई आपकी, जब क्लोज हो जाएगी ना, जब वो लाइट नहीं जलेगी तब वो आपका एज ए डायरेक्शनल यूज होगा, और शिफ्ट के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो, इन्होंने दोनों दे रखे हैं, लेकिन नम लॉक जो है वो ज्यादा नजदीक लगता है भाई पहले नंबर पे, क्योंकि शिफ्ट की तो हर एक चीज का जिसके दो काम होते हैं उनको चेंज करती रहती है, ठीक है, इस वजह से नम लॉक इज द राइट आंसर भाई। 14th का जो है ए आंसर है। 41 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई फटाफट। देखो भाई इसमें क्या बोला गया है, विच की इज यूज इन कॉम्बिनेशन विदाउट अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, भाई इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन के रूप में की का प्रयोग किया जाता है, फंक्शन की नहीं, स्पेस बार नहीं, एरो नहीं, कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट, ये तीनों कॉम्बिनेशन की है, मॉडिफायर की है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सी मॉडिफायर की है, मॉडिफायर की भी यही होती हैं और आपके फंक्शन की भी कॉम्बिनेशन की भी यही होती है भाई, तो डी इज द राइट आंसर, जिस क्योंकि इन तीनों में से शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट में से इसमें कंट्रोल का नाम दे रखा है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 42 है कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, अभी अभी बताया मैंने आपको मॉडिफायर की बोला जाता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई फटाफट, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, देखो भाई जितने भी आप प्रोडक्ट लेते हो, चाहे बिस्किट लेते हो, चाहे आप कुछ भी लेते हो मार्केट से सामान परचेज करते हो रिलायंस फ्रेश से, तो जो वो लाइन्स होती हैं जिनको वो आप क्या करता है स्कैन करता है, उनको क्या बोला जाता है, बार कोड्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बार कोड्स, और जिससे स्कैन किया जाता है उसको बोलते हैं बार कोड रीडर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चे, तो अगला आपका क्वेश्चन 44 है, What type of device is computer printer? भाई computer printer किस type की device है? Output है, तो B is the right answer. Scanner scan, एक scanner क्या scan करता? 45 है. Picture को भी करेगा, text को भी करेगा. तो C is the right answer भाई आपका 45 का. 46 देखते हैं भाई फटाफट. What would you do to highlight a word? एक word को highlight करने के लिए आप क्या करोगे? You position the cursor next to the word and then आप जिस चीज को आपको select करना है या हाईलाइट करना, दोनों एक ही चीज होती है बच्चे, तो उसको कैसे सिलेक्ट करोगे, मान लीजिए जिस चीज को सिलेक्ट करना है आप उसके लेफ्ट में जाओगे, यू पोजीशन द कर्सर टू द न्यू लाइन एंड उसको क्या करोगे, ड्रैग माउस व्हाइल होल्डिंग बटन डाउन, आप माउस को खींचेंगे जैसे यहां से यहां तक आपको सिलेक्ट करना है, तो यहां पे डाल के उसको दबाए रखेंगे लेफ्ट को, ऐसे ऐसे पुल करेंगे, खींचेंगे, ड्रैग करना बोलते हैं कंप्यूटर में, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर, ड्रैग माउस व्हाइल होल्डिंग द बटन डाउन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 47 है, 47 में क्या है, ए डैश कैन मेक इट इजी टू प्ले गेम्स, भाई ये चीज जो है गेम खेलने में आपको आसानी प्रदान करती है, तो वो क्या है, जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक से बहुत आसानी से गेम खेले जा सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन MICR, MICR की फुल फॉर्म सबको पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या पूछ रहा है, सीट स्टैंड्स फॉर भाई कैरेक्टर, तो डी इज द राइट आंसर। और ये जो MICR होती है बैंक के अंदर यूज होती है बच्चा, बैंक में जो आपके चेक होते हैं चेक के नीचे जो आपके जो अंक होते हैं जो नंबर होते हैं उनको स्कैन करने का काम MICR करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 49 की तरफ मूव करेंगे। सॉफ्ट कॉपी इज एन इंटेंजिबल, सॉफ्ट कॉपी को छू नहीं सकते, इंटेंजिबल है आउटपुट। सो देन व्हाट इज हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी क्या जिसको छू सकते हैं, जो टेंजिबल है, तो देखते हैं क्या द प्रिंटेड आउटपुट इज द राइट आंसर। जो आउटपुट प्रिंटर ने निकाल के दी है, जो पेपर आपके हाथ में आ गया है, वही तो हुआ ना आपका हार्ड कॉपी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है ज्यादा ही ऊपर आ गए। हाँ जी हाँ, क्वेश्चन नंबर अभी हम करने वाले हैं भाई आपका 50 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई इसमें आपका 50 क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है द ए प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस, तो प्रिंटर कैसी आउटपुट डिवाइस है, तो डी इज द राइट आंसर। 51वां देखते हैं, 51 द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ, ये बोल रहा है कि मैक्स, देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या बोल रहा है कि करेक्टर लिखना हो या नंबर लिखना हो किसके थ्रू लिखेंगे, कीबोर्ड के थ्रू लिखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इज द राइट आंसर। 52 देखते हैं, कीबोर्ड इज द काइंड ऑफ डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आप सबको पता है कीबोर्ड कैसा है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। 53 पे आ गए हैं भाई, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन, क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन, कहां पे दिखाई देगा कंप्यूटर का पूरा हुआ किया हुआ काम, मॉनिटर पे दिखाई देगा, रैम में नहीं दिखाई देगा भाई, मॉनिटर में दिखाई देगा, तो सी इज द राइट आंसर। कोड, देखो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। 54 देखते हैं, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार और लाइन ऑफ वेरिंग विड्थ एंड लेंथ That are computer readable are also known as, देखो फिर मैंने वही बताया तो लैंग्वेज चेंज हो गई है, बार किस में होती है, लाइन किस में होती है, बार कोड में होती है, तो डी इज द राइट आंसर, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है, क्वेश्चन वही है। 55 देखिए, whenever we have to give space between the two words, तो भाई किसका यूज करेंगे बीच में, स्पेस बार का यूज करेंगे, स्पेस देने के लिए क्या होता है स्पेस बार, तो ई इज द राइट आंसर। 56 क्वेश्चन देखते हैं, the dash key can be used in combination with other key टू परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क। देखो तो मैंने आपको क्या होता है मॉडिफायर की के बारे में बताया था ना भाई, ऑल्ट शिफ्ट एंड क्या होता है आपका एक कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट, तो इसमें कंट्रोल ऑल्ट दे रखे शिफ्ट दे भी नहीं रखा है, तो ए इज द राइट आंसर भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 आपका भाई, 55 में देखते हैं, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर भाई, सिंपल है। Which of these key is not on number keypad? भाई number की जो key होती है आपकी वहां पे इनमें से कौन सा बटन नहीं होता, की नहीं होती है, तो del होता है भाई, delete होती है, enter भी होता है, num lock भी होता है, तो आपका control A is the right answer, control की नहीं होती है numeric वाले part में। Next question की तरफ move करेंगे भाई। 59 है, the primary output device for computer is, जो primary device है output के लिए computer की वो कौन सी है, video monitor, कौन सा है video monitor, A is the right answer भाई। तो 60 क्वेश्चन जो है उसके तरफ मूव करेंगे। डैश प्रोवाइड द मीन मींस टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एंड गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग इट्स बटन, भाई कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें पॉइंटर होता है, पॉइंटर किस में होता है, माउस में होता है, ज्यादा तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जहां पे पॉइंटर दिखाई दे जाए तो आपका आंसर माउस होना चाहिए, अगर आपको जॉयस्टिक दिखाई दे जाए तो आपका आंसर गेम होना चाहिए, तो कुछ चीजें हैं जो फिक्स हैं, देखते ही आंसर कर दिया करो, कोई टेंशन है ही नहीं। 61 देखिए, सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, भाई जो आप जिसको छू नहीं सकते, सॉफ्ट कॉपी जो स्क्रीन पे दिखाई दे, तो उसका आंसर क्या रहने वाला है आपका, स्क्रीन आउटपुट, क्या है सी, स्क्रीन आउटपुट, तो सी इज द राइट आंसर। 62 देखिए भाई, व्हाई इज द कैप लॉक्स की रेफर टू एज ए टॉगल की, भाई इनमें से टॉगल की कौन सी है, भाई टॉगल की वो होती है जो एक बार स्विच को ऑन करें एक बार ऑफ करें, तो ऑन का मतलब क्या है कि जब आप उसको ऑन करोगे तो वो जैसे कैप्स लॉक को ऑन कर दिया तो वो कैपिटल वर्ड दिखाई देगा, ऑफ कर दिया तो वो दोबारा अपना स्मॉल में दिखाएगा, तो टॉगल की का काम क्या होता है, अपने ही काम को एक बार करवाना और उसको फिर वापस उसी चीज में लेके जाना,
तो एक बार वो काम होता है, एक बार नहीं होता। नम लोक का भी यही है, स्क्रो लोक का भी यही है। तो इन तीनों लोक जो किए हैं इनको टॉगल के भी बोला जाएगा। तो ए बिकॉज द इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड, मतलब अपने ही फंक्शन को रिपीट करवाने का काम कौन करता है? टॉगल की मतलब कैप्स लॉक की करता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखो भाई 63 है आपका। वन पुट्स इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग दिस की। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में डालने के लिए किस की का यूज किया जाता है? तो भाई वो है आपका बी, रिटर्न और एंटर की। एंटर की का दूसरा नाम रिटर्न की भी है। क्यों है? जब हम एंटर करते हैं मतलब ओके करते हैं तो हमें कुछ रिटर्न में चाहिए होता है। तो आपसे पूछा जाए ना तो कि एंटर की का दूसरा नाम क्या, तो रिटर्न की है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 65। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन टू ए न्यू लोकेशन। भाई एक माउस से पकड़ के एक जगह पे दूसरी जगह पे ले जाने को क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करे रहो और ऐसे खिसड़ा दो उसको, एक एक तरीके से खींच दो, पुल कर दो, तो जहां भी आप लेके जाओ वहीं पे वो चला जाएगा। तो उसको बोलेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर है? तो सी इज द राइट आंसर। तो 66 देखते हैं भाई। टू सिलेक्ट टेक्स्ट बाय सेटिंग एज यू ड्रैग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज रेफर टू एज। भाई देखो अगर आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हो या हाईलाइट करते हो, तो मैंने बोला ना दोनों एक ही चीजें होती हैं, तो एरो के थ्रू आप उसको अगर सेलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर भाई। 67 देखते हैं। ए बटन दैट मेक्स कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस, तो वो कौन सा है आपका? देखो एक चीज बता देता हूँ, इसमें आपका कैप लॉक्स भी हो सकता था लेकिन वो नहीं दे रखा, तो शिफ्ट की। शिफ्ट की इज द राइट आंसर। शिफ्ट की का काम क्या होता है? हर एक की कोई भी की हो जाए जो वो काम कर रही है उसके दूसरे काम को करवाना। मान लीजिए आप तो 1 2 3 लिख रहे हो और आपको एट द रेट करना है, तो शिफ्ट के साथ आप 2 प्रेस करोगे ना तब जाके आपका एट द रेट आता है। क्लियर है सभी को? तो उसके 2 काम थे, तो एक काम तो 2 था सिंपली, लेकिन अगर मुझे एट द रेट प्रेस करना है तो शिफ्ट के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 नहीं प्रेस होगा, एट द रेट प्रेस होगा। आप सभी इस बात को जानते हैं। तो अगर आपको कैप्स लॉक की नहीं दे रखा है इसमें, तो आप शिफ्ट की करेंगे तो वो कैप्स लॉक का काम करेगा, क्योंकि तो एक बार छोटे होते तो एक बार बड़े होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका उसको हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चा 68। पिक द ओड वन, भाई इनमें से जो अलग सा दिखता हो ना वो बताओ क्या है? माउस इनपुट डिवाइस, के अंदर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो ये अलग सा दिख रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 69 देखते हैं बच्चे। लेटर्स नंबर एंड सिंबल्स फाउंड ऑन अ कीबोर्ड। भाई लेटर नंबर जो भी दिखाई दे रहा है ना आपको, वो सारे का सारा क्या है आपका? वो सारे की सारी की है। कीबोर्ड पे तो की होती है ना बच्चे, तो वो आपकी क्या है? सारे की सारी की होती है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 70। 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है उस पर थोड़ा सा देखेंगे अभी। तो 70 क्वेश्चन है आपका। ए पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज टू एंटर इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर बाय यूजिंग की का यूज करके कौन सी इनपुट डिवाइस की का यूज करते हैं? तो कीबोर्ड। तो सिंपली ए इज द राइट आंसर। 71 की तरफ मूव करेंगे भाई फटाफट। तो 71 जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कहता है देखते हैं भाई। कैपिटल लेटर ऑन ए कीबोर्ड आर रेफर टू एज, जो कैपिटल लेटर है उनको क्या बोला जाएगा? भाई कैप्स लॉक्स की के थ्रू उनको कॉल किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। 72 देखो क्या है भाई। पावरफुल की दैट लेट यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, जब आप कहीं पे भटक जाए आपको क्रॉस का निशान ना मिल रहा हो गेम खेलते टाइम या पावर पॉइंट की स्लाइड चलाते टाइम, तो आपको कोई क्रॉस का निशान ही नहीं मिलता तो किस प्रोग्राम को कैसे बंद करोगे? तो एस्केप की जो होती है ना आपकी, जो फर्स्ट की होती है कीबोर्ड पे, वो सबसे पावरफुल है, वो आपको आपके डेस्कटॉप पे लेके चले जाती है। तो क्या है भाई? एस्केप की इज द राइट आंसर, सबसे पावरफुल की है। 73 देखिए। प्रिंटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड दैश, जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है उसको ये बोला जाता है फिजिकली एंड इज ए परमानेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट देन द प्रेजेंटेड ऑन डिस्प्ले। डिस्प्ले पे क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी। और प्रिंटेड फॉर्म क्या होती है? हार्ड कॉपी। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर सी चीज है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 भाई। 74 में क्या? मूव द कर्सर वन स्पेस टू द राइट और पुट स्पेस इन बिटवीन वर्ड्स। स्पेस के थ्रू ही वर्ड के बीच के अंदर स्पेस दिया जाएगा। पैराग्राफ बनाना है तो क्या करोगे आप? इंडेंट दोगे, टैब की का यूज करोगे। ठीक है, जब पैराग्राफ के बारे में बात करें तो इंडेंट पैराग्राफ क्या होगा? टैब की। अदरवाइज स्पेस के बारे में बात हो रही तो स्पेस बार इज द राइट आंसर। तो बी। 75 देखते हैं। यूज दिस
when you want to make all letters capital without having to use the shift key. Shift key का use नहीं करोगे तो caps lock key का use करोगे. तीसरी तो चीज ही नहीं है. तो C is the right answer. 76 देखते हैं क्या है. Devices that let the computer communicate with you. कौन सी डिवाइस हैं जो कंप्यूटर से आपको जोड़ती हैं? तो भाई वो क्या है? इनपुट डिवाइस है, मतलब माउस एंड कीबोर्ड है आपके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई. 77 डिवाइसेस दैट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर. तो भाई हम जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे किसी तो डालेंगे इनपुट डिवाइस. तो ए इज द राइट आंसर 77 का भाई. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 78 देख लेते हैं बच्चे अभी. एनी लेटर नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड दैट यू कैन टाइप इनटू द कंप्यूटर. तो उसको क्या बोला जाएगा? आउटपुट टाइप प्रिंट करेक्टर बोला जाएगा भाई. एनी लेटर मतलब सिंगल लेटर के बारे में बात कर रहा है. तो क्या है नंबर सिंबल क्या करेक्टर होगा भाई? वो कंप्यूटर का क्या होगा? करेक्टर. वर्ड क्या होता है? कई करेक्टर का समूह होता है भाई. तो करेक्टर इसने एनी पूछा है. तो 79 आंसर देख लेते. 79 क्वेश्चन देखिए. एक की दैट विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी. तो डिलीट की. इरेज करना है, मिटाना है, तो क्या? डिलीट की. तो बी इज द राइट आंसर. 80 क्वेश्चन देखते हैं भाई. द डैश टेक्स ऑन डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग. तो माउस का जो पॉइंटर होता है ना बच्चे, अगर वैसे तो वो तीर का निशान होता है, लेकिन जब आप कोई चीज प्रेस कर देते हो तो वो गोल गोल भी घूमता है, और किसी हाइपरलिंक पे लेके जाओगे तो वो हाथ भी बन जाता है, हैंड का भी शेप ले लेता है. तो ये डिपेंडिंग ऑन परफॉर्म करता है ना सिचुएशन, भाई किसके ऊपर मुझे क्या करना है. तो सी माउस पॉइंटर जो है आपका टेक्स ऑन डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन टास्क, कि टास्क क्या किया आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 81 है बच्चे आपका, सॉरी 80 है, 80 तो हो चुका ना, 81 है भाई, सॉरी. तो 81 में क्या रहेगा आपका? यू कैन यूज द टैब की टू. तो मैंने क्या बताया था अभी पहले, रिपीट हुआ है ना भाई, मूव ए कर्सर ऑन स्क्रीन और इंडेंट पैराग्राफ. तो डी ए एंड बी बोथ. लूसेंट में ना सारे चैप्टर के अंदर काफी क्वेश्चन रिपीट है भाई. तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका. इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फेड टू इनटू कंप्यूटर. देखो भाई, पेन ड्राइव आपका एक्सटर्नल सोर्स है, उसके थ्रू अगर कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डालोगे तो क्या होगा? वो इनपुट होगा ना बस. तो ए इज द राइट आंसर. एक्सटर्नल सोर्स क्या है? आपकी दूसरी हार्ड डिस्क हो सकती है, आपकी मॉनिटर हो सकती है, सॉरी यूएसबी हो सकती है. यूएसबी मतलब आपका पेन ड्राइव. तो अगला देखते हैं 83. विच की एनेबल द इनपुट ऑफ नंबर क्विकली. भाई नंबर डालने हैं तो नंबर की से प्रेस करोगे ना जो साइड में होता है, ठीक है? तो द न्यूमेरिक की. बहुत ईजी क्वेश्चन है. 84. You use a dash such as keyboard or mouse to input information. तो ये क्या है दोनों? Input device है. तो C is the right answer 84 का भाई. 85 देख लेते हैं फटाफट. A dash camera is a peripheral device. देखो पहले ये समझो peripheral devices क्या होते हैं. कंप्यूटर जिनके बगैर भी चल सकता है, जैसे पेन ड्राइव के बगैर भी कंप्यूटर चलता है ना, प्रिंटर के बगैर भी कंप्यूटर चलता है ना, कैमरा या अपना फोन के बगैर भी कंप्यूटर चलता है, लेकिन ये साइड डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती है. तो वो क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेज है. अब समझते हैं आगे. ए डैश कैमरा इज पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर स्टिल इमेजेस. तो वो कैमरा ही होगा ना, स्टिल इमेजेस. तो क्या, कौन सा कैमरा? डिजिटल कैमरा. कौन सा कैमरा? डिजिटल. नॉर्मल कैमरा रील वाला तो लगेगा ही नहीं कंप्यूटर में. तो ए इज द राइट आंसर. 86 देखते हैं. डिजिटल फोटो एंड स्कैन्ड इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड एज डैश. तो बिट मैप इमेजेज होती हैं वही सारी. कैसी इमेज होती हैं? बिट मैप इमेजेज होती हैं जिनके पीछे PMP, PNG, JPG, TIFF या GIF लिखा होता है, वो बिट मैप इमेजेज होती है बच्चे आपकी. तो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो देख लेते हैं एक बार भाई. बार बार इसमें नोटिफिकेशन है. देखो 87 OCR stands for. OCR की फुल फॉर्म क्या है? तो भाई ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज द राइट आंसर. वो आपके कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है भाई. 88 देख लेते हैं. विच डिवाइस इज यूज एज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस सिर्फ एक ही है, माउस. तो माउस भी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन 89 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस आप देख लो, प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, टच स्क्रीन आपकी इनपुट भी है, ठीक है? तो डी इज द राइट आंसर. डी जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है. टच स्क्रीन से आप टाइप भी तो करते हो, व्हाट्सएप वगैरह में से करते हो टच स्क्रीन पे लिख के, तो इनपुट दे रहे हो ना वो आप, बस सिंपल. तो 90 देखिए. द एरो की कैन बी यूज टू. जो एरो की है उसका यूज किस लिए किया जाता है? मूव द कर्सर इन द टेक्स्ट, जो आपने लिखे हुए अक्षर हैं उनके बीच में.
जो है आगे पीछे होने के लिए यूज किया जाता है, मूव द कर्सर, मूव कर्सर आगे या पीछे ऑलरेडी लिखे हुए टेक्स्ट के बीच में। तो बी इज द राइट आंसर भाई। तो 91 देख लेते हैं भाई फटाफट। व्हाट इज ए कीबोर्ड यूज फॉर? कीबोर्ड का यूज क्यों किया जाता है? इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर एंड सेंड कमांड टू कंप्यूटर। तो ये इज द राइट आंसर, सिंपल सी चीज है। 92 देख लेते हैं भाई। व्हाट आर द स्पीकर्स अटैच्ड टू कंप्यूटर यूज फॉर? स्पीकर क्यों जोड़ते हैं भाई? गाने बजाने के लिए, साउंड के लिए। तो हैंडलिंग साउंड एंड म्यूजिक। इट इज द राइट आंसर, बच्चा भी बता देगा। द माउस डैश यूजुअली अपीयर इन द शेप ऑफ एन एरो। जो माउस होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं भाई। तो डी इज द राइट आंसर। 94 देख लेते हैं बच्चे। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज। जो बहुत ही कॉमन जो आपकी पर्सनल कंप्यूटर की डिवाइस होती है स्टोरेज, वो क्या है भाई? ये सोल्यूशन ई बुक में इसका आंसर भी गलत दे रखा है। उन्होंने बोला है क्या? बोला फ्लॉपी डिस्क। आजकल आती ही नहीं फ्लॉपी डिस्क। तो क्या है मोस्ट कॉमन? हार्ड डिस्क में यूज करते हैं ना भाई, हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर। आजकल तो एसएसडी भी होने लगी है, फ्लॉपी डिस्क तो बहुत पहले की बात है। तो डी इज द राइट आंसर। 95 भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर? तो बताओ भाई, डिजिटल कैमकॉर्डर बिल्कुल, माइक्रोफोन बिल्कुल, स्कैनर, ये तीनों चीजें जो हैं डिजिटल इनपुट डिवाइसेज हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, ऑल ऑफ अबव। 96 देखते हैं भाई। ए सेल्स क्लर्क एट ए चेक पॉइंट काउंटर स्कैनिंग ए टैग ऑन एन आइटम रेदर देन कीइंग इट इनटू द सिस्टम इज यूजिंग स्कैनिंग ऑटोमेशन। स्कैनिंग ऑटोमेशन मतलब आप आपके जो उसको जब आप कोई भी सामान लेके जाते हो तो वो क्या करता है? वो बारकोड को स्कैन करता है कि नहीं करता है? बस वही बोल रहा है, स्कैन करता है ऑटोमेशन, तो इसको बोला जाता है भाई। नेक्स्ट 97 देखते हैं बच्चा। इफ यू ओपन ए मेन्यू एंड देन डिसाइड यू डोंट वांट टू सेलेक्ट एन ऑप्शन आफ्टर ऑल, क्लिक द मेन्यू टाइटल अगेन और प्रेस द डैश की टू क्लोज द मेन्यू। ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम भाई याद क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मेन्यू ओपन किया लेकिन आपको इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, तो आप क्या करोगे? एस्केप की जो सबसे पावरफुल की वो प्रेस कर दो, वो मेन्यू चला जाएगा। वो मेन्यू तो कहीं और क्लिक करोगे ना बेटा तो भी चला जाएगा, जो है उस मेन्यू पे दोबारा क्लिक कर दोगे तो भी चला जाएगा। एकदम बेकार क्वेश्चन भाई। 98 इट की दैट विल एरेंज इंफॉर्मेशन, रिपीट हुआ भाई, डिलीट की, बी इज द राइट आंसर। 99 इट डैश इज ऑफन यूज टू सेलेक्ट और हाईलाइट। भाई सिलेक्ट और हाईलाइट के लिए माउस का ही तो यूज करेंगे ना, तो ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 99 हो चुके हैं आपके, बहुत जल्द, बस 5 मिनट और लगेंगे मैक्सिमम, चैप्टर खत्म, फिनिश। 100 क्वेश्चन क्या है? मिस्टर एक्स हैज नो प्रिंटर। भाई मिस्टर एक्स के पास प्रिंटर ही नहीं है टू प्रिंट हिज रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए। ही वांट्स टू टेक इट टू मिस्टर वाईज कंप्यूटर बिकॉज मिस्टर वाई हैज प्रिंटर। भाई मिस्टर वाई के पास प्रिंटर है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मिस्टर एक्स कुड सेव हिज रिपोर्ट ऑन, किसमें सेव करेगा? हार्ड ड्राइव में। अरे अपनी हार्ड ड्राइव में सेव करेगा तो उससे कैसे प्रिंट करवाएगा? लेकिन आजकल तो ये भी बकवास है, अगर प्रिंटर नहीं है तेरे पास तो तू क्या करेगा? उसको मेल कर दे, जरूरी थोड़ी है तेरे को किसी मतलब स्टोरेज डिवाइस में ही सेव करके लेके जाना है, ठीक है? लेकिन ये उस टाइम की बात है जो फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी। तो ई इज द राइट आंसर भाई, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है? लेकिन आजकल तो मेल कर देते हैं भाई, अगर मेरे मेरे से प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो मैं मेल कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा वो पीडीएफ, अगला बंदा निकाल देगा प्रिंट मेरा। तो ये क्वेश्चन आज की डेट में बनते नहीं है बाकी। 101 देखते हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डेटा इज। भाई सबसे ज्यादा जो आपका हार्डवेयर यूज होता है डेटा को इनपुट करने के लिए वो क्या है? कीबोर्ड है भाई। माउस के बगैर तो फिर भी काम चल जाएगा लेकिन कीबोर्ड के बगैर काम नहीं चलता है। तो ए इज द राइट आंसर। द डैश मे ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मोनिटर। भाई डिस्प्ले को ही तो बोलते हैं जहां पे सारी आउटपुट दिखाई देती है, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ई इज द राइट आंसर, डिस्प्ले। 103वां क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट। 103 में क्या है? इन ए कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट टू ए कीबोर्ड। भाई इनमें से कौन सी कीबोर्ड के बिल्कुल उलट है? तो पहली बात, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। देखते हैं भाई, जॉयस्टिक क्या है? इनपुट है। ट्रैकबॉल क्या है? इनपुट है। माउस क्या है? इनपुट है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट। तो कीबोर्ड का अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या आंसर रहेगा? डी, प्रिंटर। 104 देखते हैं बच्चा। डिवाइस इज दैट एंटर इन्फॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और कॉल्ड। बताओ भाई, इनपुट डिवाइसेज हैं कि नहीं है? डिवाइसेज दैट आर एंटर इन्फॉर्मेशन, जो भी जिस चीज से एंटर करेंगे कीबोर्ड से तो करेंगे,
और कीबोर्ड क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। 105 देखते हैं बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू रिलेट टू इनपुट यूनिट। भाई इनमें से कौन सा इनपुट यूनिट से रिलेट नहीं करता है? इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ना। इट कन्वर्ट डेटा इनटू बाइनरी कोड एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। इट कन्वर्ट बाइनरी डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर। तो बिल्कुल सही है, जो इनपुट डिवाइस है वो ये नहीं करती। क्या नहीं करती? कि बाइनरी डेटा को कन्वर्ट करके ह्यूमन रीडेबल नहीं बनाती। वो तो किसका काम है? आउटपुट यूनिट का काम होगा ना। तो सी इज द राइट आंसर, जो इनपुट डिवाइस नहीं करती है। क्लियर है? बाकी दो चीजें ये हैं, ये करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द दीज इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। पॉइंट का बात आ जाए ड्रॉ करने का, तो माउस ही है भाई। ए इज द राइट आंसर। 107 देखते हैं बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैनॉट यूज देयर हैंड्स और फॉर कंप्यूटर इनपुट। भाई जो जो कंप्यूटर इनपुट नहीं कर सकते, जो आंधे लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है, जो ब्लाइंड लोग हैं वो कैसे यूज कर पाएंगे भाई? तो स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे आजकल आप बोलते हो ना ऐसे गूगल पे, हेलो गूगल, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, रास्ता पूछते हो, जो भी करते हो, तो वो स्पीच को आपको रिकॉग्निशन करके और आपको आउटपुट देती है। तो जो नहीं देख सकता वो स्पीच रिकॉग्निशन से यूज कर सकता है कंप्यूटर का इनपुट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा। 108, ए डैश इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक ए डिजिटल इमेज। तो भाई डिजिटल इमेज में बनाएगा तो क्या है? स्कैनर है। कैसा है बच्चा? स्कैनर। 109 देखते हैं, ए जॉयस्टिक इज प्राइमरीली यूज टू, जॉयस्टिक का यूज गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटर गेमिंग भी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। 110, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय डगलस एक्सेलबर्ट। सबसे आसान क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए स्टैंडर्ड अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड। भाई कीबोर्ड में 104 की होती है स्टैंडर्ड में, तो सी इज द राइट आंसर भाई। अगला देखते हैं बच्चे, 112, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज पिक्सल। बहुत सारे पिक्सल मिलके एक इमेज बनाते हैं, सबसे छोटा क्या है? जैसे इंसान के शरीर में सेल जो है वो सबसे छोटा है ना, वैसे ये क्या है? पिक्सल है भाई। 113 देखते हैं भाई, इन विच ग्राफिक डिजिटल फोटोज एंड स्कैन इमेजेज आर टिपिकली स्टोर्ड बाय एक्सटेंशन सच एज बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टीएफ। तो बिट मैप इमेज, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ भाई। ए 114 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। 114, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी? कई बार आया है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ए इज द राइट आंसर, और ये याद रखना आपको। 115 देखते हैं बच्चा, विच की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। भाई नेक्स्ट लाइन लाना था, एंटर प्रेस कर दो, अगली लाइन में आ जाओगे। तो भाई मैंने आपको 115 क्वेश्चन करवा दिए हार्डली आधे घंटे में, 30 मिनट की क्लास के अंदर विद बैकग्राउंड। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो आप सारे के सारे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक ही मोटो रहता है, बिना टाइम खराब करे मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाना, आपको समझाना। यूट्यूब के वो ऐसा नहीं है कि भाई एक घंटे की क्लास में मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊँ, ये मेरा मोटो नहीं है। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।